कृष्णा, आज मैं आपको बताऊंगी कि तिलक कैसे लगाते हैं। तिलक लगाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है और वो हैं, सबसे पहला है गोपी चंदन, दूसरा है थोड़ा सा स्वच्छ जल और तीसरा है एक स्वच्छ कपड़ा या रुमाल। तो प्रश्न ये उठता है कि गोपी चंदन ही क्यों, वैष्णव गोपी चंदन से ही तिलक क्यों लगाते हैं। तो गोपी चंदन वह मिट्टी है जो गुजरात राज्य के द्वारका क्षेत्र के गोपी तालाब नामक स्थान से आती है और ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान के इस धरा धाम से जाने के पश्चात गोपियों ने अपना शरीर छोड़ा था, इसीलिए इस तालाब के किनारे की मिट्टी को गोपी चंदन कहते हैं। और क्योंकि गोपियाँ भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, इसीलिए वैष्णव गोपी चंदन से भगवान श्री विष्णु का नाम लेते हुए अपने शरीर के 12 स्थानों पर तिलक लगाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि तिलक कैसे लगाएं। तिलक लगाने के लिए सबसे पहले अपने बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लें और अब गोपी चंदन की सहायता से इस पर घिसते हुए एक पेस्ट बनाएं। पेस्ट बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये पेस्ट ना तो इतना पतला हो कि टपकने लगे या फिर ना ही इतना ज्यादा गाढ़ा हो कि लगाते ही सूख जाए या फिर ऊपर ही ना बढ़े। अब आप देख सकते हैं कि एक अच्छा पेस्ट बन चुका है और तिलक लगाने के लिए दाएं हाथ की अनामिका उंगली में चंदन लें और फिर दोनों भौहों के मध्य स्थान में इस उंगली को इस प्रकार रखें और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जाएं। यदि तिलक का आकार अच्छा दिखने लगा है तो ठीक है, अन्यथा आप यही विधि आप 2-3 बार दोहरा सकते हैं। और अब कपड़े की सहायता से अब बीच के स्थान को साफ कर लीजिए और इसी प्रकार दोनों लाइनों को भी एक स्पष्ट और सुंदर रूप दीजिए। और अब वापस अनामिका उंगली में थोड़ा सा चंदन लेकर नीचे तुलसी पत्र का आकार बनाएं। और अब फिर से कपड़े की सहायता से इसे एक सुंदर और स्पष्ट रूप दें। तिलक तैयार है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो ऑफिस जाते हैं, हम ऑफिस जाते समय तिलक नहीं लगा सकते, या फिर उन्हें ऑफिस में तिलक लगाने की अनुमति नहीं, या फिर उन्हें संकोच होता है तिलक लगाकर जाने में। तो ऐसे लोग केवल पानी का तिलक भी लगा सकते हैं या फिर पानी में बहुत कम गोपी चंदन की मात्रा मिलाकर भी तिलक लगा सकते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देता। वापस घर आएं तो तिलक लगाएं, मंदिर जाएं तो तिलक लगाएं, परंतु तिलक अवश्य लगाएं क्योंकि वैष्णव पद्धति के अनुसार तिलक लगाना अत्यंत आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में तिलक लगाने के विषय में बताया गया है कि हमारा ये शरीर एक मंदिर है क्योंकि यहाँ भगवान निवास करते हैं और भगवान जहाँ रहते हैं वह स्थान मंदिर होता है और इस मंदिर का मार्जन यानी इसकी साफ सफाई तो हम प्रतिदिन स्नान करके कर दिया करते हैं और तिलक लगाकर हम इसका श्रृंगार करते हैं, इसलिए तिलक अवश्य लगाएं और भगवान के निवास स्थान इस शरीर रूपी मंदिर को उन्हीं के चरण चिन्हों से अवश्य सजाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।